कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, तू जिस जगह से जाग सवेरे उस जगह से बढ़कर सो। स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त उज्जवल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैंने बहुत ही एनालिसिस किया है, बहुत ही रिसर्च किया है। मैं आपसे बहुत कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी इसको सुनने के बाद अपने जीवन में उतारेंगे और फॉलो करेंगे। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट मैथ फेवरेट होता है, बहुत सारे लोगों को मैथ से एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को मैथ देकर के बुखार हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आप ये सोचिए, जिसका ये फेवरेट सब्जेक्ट है, जो इसमें अच्छा करते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स उनका स्ट्रांग हो जाता है? दोस्तों मैं आपसे आज उसी विषय पर बात करने वाला हूं कि अपने मैथ को कैसे स्ट्रांग करें या मैथ्स में टॉपर कैसे बने। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैथ्स का अगर आपको स्ट्रांग होना है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ये लाइन एकदम सार्थक है, ये लाइन एकदम सही है। अगर मैथ्स की बात करते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका मैथ स्ट्रांग होता जाएगा, इस बात में कोई दोराय नहीं है। फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स आउट आउट किए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं सेल्फ फॉलो करता हूं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी इसको फॉलो करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की पावरफुल वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आप अपने लाइफ में एक अलग चेंज महसूस करेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको 100% देता हूं, 100% गारंटी आपको यहां पर देता हूं। चलते हैं दोस्तों पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट देखिए क्या है, मेंटेन सेपरेट नोटबुक, एक अलग से कॉपी बनाइए। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैं भी जब क्लास में था इस तरह से, तो मैथमेटिक्स में हमें भी प्रॉब्लम होती थी, खासकर क्लास 9 से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो मैं सोचता था कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने इसको चीज को सोचा, मैं चीज को एनालाइज किया, बड़े बुजुर्गों की सहायता लिया, जो टीचर्स थे उनके बारे में उनसे कुछ पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि देखो सबसे पहले आप क्या करो कि एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, मैथमेटिक्स अलग से करो, उस पर क्वेश्चंस लिखो। बहुत बच्चे क्या करते हैं, केवल सॉल्यूशंस लिखते हैं। दोस्तों मैं आपको एकदम मना करूंगा इसके लिए, आप क्वेश्चन लिखिए उसके नीचे उसका सॉल्यूशन करिए। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब क्लास 10th में था तो मेरा फेवरेट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री था और हाइट एंड डिस्टेंस था, उसके कई सारे क्वेश्चन, और सर्कल्स मेरा फेवरेट चैप्टर था, उसके कई सारे क्वेश्चन ऐसे जो मुझे नहीं आते थे, तो मैं उसको 5-5 बार लगाता था। और एक तरह से मैं जब देखता था, मैं उसको कई दिन बाद भी देखता था, तो मुझे वो एक तरह से याद रहता था, ऐसा नहीं कि रट जाता था, वो मुझे याद रहता था कि मुझे ये टेक्निक लगानी है। तो यही काम करिए, सॉल्यूशन देखिए, लगाइए उसको कई बार, 2-3 बार 5 बार उसी जगह पर लगाइए, क्वेश्चन लिखिए और हर बार वही स्टेप फॉलो करिए, क्वेश्चन को हर बार लिखिए, ताकि क्वेश्चन भी आपके दिमाग में रहे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। दूसरा तरीका आप लीजिए, फॉर्मूले की लिस्ट बनाइए। सबसे पहले आप क्या करिए, जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसके फॉर्मूलेज का लिस्ट बनाइए। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कोई भी, चाहे बैंकिंग में, एसएससी में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, आप ट्रिग्नोमेट्री मान लीजिए पढ़ रहे हैं या कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो उसके फॉर्मूलेस की एक अलग से लिस्ट बना लीजिए, उन फॉर्मूलेस को याद करने की कोशिश करिए और उनको बार बार रिवाइज करिए। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आपकी 30% 40% प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाएगी, जैसे आपको फॉर्मूला पता होगा, आप केवल वैल्यू रखेंगे और अपने आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। देखिए दोस्तों फॉर्मूला लर्न करने का तरीका मैं आपको एक और बता रहा हूँ, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने स्टडी रूम में दीवार पर या कहीं दरवाजे पर या ऐसे जगह आप पेस्ट करिए उसको, जैसे बार बार आपका कांटेक्ट उससे बना रहे, आप आते रहे जाते रहे तो आपको वो दिखता रहे, तो आपके दिमाग में वो चीज चलती रहेगी। तीसरी चीज दोस्तों देखिए आप क्या करिए, अपने आप के में अंदर एरर निकालिए, सवाल लगा रहे हैं तो अपने आप में एरर निकालिए कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, मुझसे कहां गलती हो रही है। क्रॉस चेकिंग अपना खुद से करिए, उस समय ये मत सोचिए कि मैं आपको नेग्लिजिबल मार्किंग दे दूंगा, मैं ज्यादा मार्किंग दूंगा, उस समय अपने आप के आप टीचर बनिए और एकदम बिल्कुल करेक्ट मार्किंग करिए, स्ट्रिक्ट मार्किंग करिए। दोस्तों देखिए एक सबसे बड़ा आलोचक जो होता है, अपना खुद का जो सबसे बड़ा आलोचक होता है वही सफल होता है, इस बात को याद रखिएगा। जो अपनी आलोचना खुद से करता है, अपने मन में करता है, वही आगे जाता है, क्योंकि उसमें ही एक डिजायर होता है आगे बढ़ने का। तो इसी तरह से आप जब रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो अपने आप ही मत सोचिए कि मैं अपना रिवॉल्यूशन कर रहा हूं, मैं एक टीचर हूं और मैं एक स्टूडेंट की लाइफ को बना रहा हूं अगर मैं सही चेकिंग कर रहा हूं तो। दोस्तों चौथी पॉइंट आपका जो है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। क्वेश्चन जैसे ही आप ध्यान से पढ़ेंगे आपकी आधी समस्या वहां पर सॉल्व हो जाएगी। आप क्वेश्चन को बहुत प्रॉपरली पढ़िए, आप देखेंगे आधा सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसी बात है कि क्वेश्चन में आपको कोई लाइन नहीं समझ में आएगी तो उस पर स्टिक मत करिएगा, उस पर रुकिएगा मत, आगे पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, देखिएगा, आपको बहुत ही आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। इसके बाद आप देखिए, जब आप लास्ट पॉइंट जो कि बहुत मेन पॉइंट है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ 3D के बारे में, डेडिकेशन डिवोशन डिटर्मिनेशन। अगर आप मैथमेटिक्स में ये चीज कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स में टॉपर बनने से, यानी मैथमेटिक्स का रामानुजन बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा और आप एक ब्राइट स्टूडेंट बनेंगे मैथमेटिक्स में। उसका तरीका क्या है देखिए, आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि आप एक दिन पढ़ लेंगे और आप सोचेंगे हफ्ते भर बाद उसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप मैथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा हो सके।
आप एकदम टाइम अलॉट कर लीजिए कि मुझे इस टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे इस टाइम कुछ और नहीं करना है, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये टाइम पे केवल मैथमेटिक्स ही पढ़नी है। और ज्यादा टाइम मत निकालिए, 2 घंटे 3 घंटे ये नहीं, 40 से 45 मिनट 30 मिनट जितना आप निकाल पाइए, मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम जितना निकाल पाइए, 30 मिनट्स 45 मिनट्स। 30 मिनट्स में आप क्वेश्चंस को देखिए, 15-20 मिनट्स में आप फॉर्मूलेस को रिवाइज करिए। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका जो मैथमेटिक्स होगा वो धीमे धीमे इतना बढ़िया हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उसका आपको फायदा कब मिलेगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे आपके लिए वो क्वेश्चन पेपर बहुत आसान हो जाएगा, जिसमें कई लोगों को पसीने छूट रहे होंगे तो आपको देखेंगे वो क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से लगा लेंगे और मैथमेटिक्स में आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और दोस्तों मैथ का इंपॉर्टेंस बहुत है, चाहे आप 10th में हो, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप एक आईएएस अफसर बनना चाहते हो, चाहे आप एक एयरफोर्स में जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, गैरेज किसी भी फील्ड में आप मैथमेटिक्स से बच नहीं सकते। तो इसलिए जो चीज हमें करनी है हम उसे मन से करें, क्यों उसे हम बोझ मानकर करें। और मेरा वादा है आपसे दोस्तों, मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगल।